सुपर सब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग एंड बहुत ज़्यादा जाम में फंस के मैं अभी आया हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा क्या हो रखा है, बारिश भी हो रखी थी सुबह से और टाइम भी थोड़ा ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा जाम से मैं अभी फंस के आया हूँ। सो राइट नाउ आई एम हेडेड टू करोल बाग एज आई जस्ट सेड, क्योंकि थोड़ा सा काम करवाना है बाइक के ऊपर। ब्रांड न्यू बाइक है अभी भी, सो काम करवाना थोड़ा बहुत तो बनता है। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने अभी क्या कहते हैं स्क्रीन गार्ड लगाया था अपने टीएफटी डिस्प्ले के ऊपर, प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड नॉर्मल वाला, बट डिस्प्ले पे मेरी ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर पानी चला गया डिस्प्ले के, तो मैं लोकल मैकेनिक से पूछूंगा कि क्या है, उसने वो कुछ नहीं बता पाया, तो मैं फिर KTM के शोरूम लेके जाऊंगा। और सोच रहा हूँ, देखिए आप, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये आप आउट लाइन्स देख सकते हैं इधर भी और इधर भी, तो आई थिंक हल्का सा मॉइस्चर चला गया इसके अंदर या पानी गया, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, फिर कभी देखने को मिल जाएगा अगर मैं वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर या ना बनाऊँ। सो जो चीज़ें मैंने आज सोची है कराने के लिए वो है पहले सेंटर टैंक लैमिनेशन, क्योंकि आज एज यू नो प्लास्टिक का टैंक है, स्क्रैचेस जल्दी पड़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, और हेयरलाइन स्क्रैचेस मेरे को एक दो दिखने चालू हो गया है, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, बट आई होप कि उससे ठीक हो जाए और मेरे बाइक पे और स्क्रैचेस इससे ज़्यादा ना पड़े। बाकी और मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइड पैनल पे पूरा का पूरा वो करवा लूँ, कोटिंग करवा लूँ यहाँ पे भी, मतलब कोटिंग कह रहा हूँ उसको, ये क्या है काला काला क्या लग गया, हाँ, तो मैं सोच रहा साइड पैनल भी लैमिनेट करवा लूँ पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टैंक ग्रिप्स लगानी है, या फिर इतना ही करवाऊंगा क्योंकि मेरे को टैंक ग्रिप लगानी है, टैंक ग्रिप हटाने के बाद निशान रह जाता वरना। तो ये दो तीन छोटी मोटी चीज़ें हैं। रेडिएटर गार्ड भी मैं चेक करूँगा, अगर मेरे को अच्छा सा मिल गया 2000-2500 की रेंज में, तो मैं रेडिएटर गार्ड भी लगवा लूँगा इसके ऊपर, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवेंचर बाइक के लिए। ओके, सो हम पहुँच चुके हैं करोल बाग, अभी नहीं पहुँचे, यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है मेरे को लेफ्ट जाना है यहाँ से। सो मैं हूँ अभी करोल बाग में गोल्डन बाइक्स पे यहाँ पे, और बाइक पे काम चालू हो चुका है, तो दो तीन चीज़ें मैंने करवा दी थी, जैसे बताया एक तो रेडिएटर ग्रिल हो गई और टैंक के आगे पूरे लैमिनेशन हो गई। सो स्टोर भी एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, और जो काम हो रहा है वो भी अच्छे से दिखा देता एक बार ही, बैकग्राउंड उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, सब लोग आ ही रखे होते इधर। सो स्टोर आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी सारा सामान है, एक्शन कैमराज वगैरह भी सारे के सारे पड़े हैं, प्रॉपर लोकेशन स्टोर की, और नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर आप बताइए आपके कौन कौन सी बाइक्स का सामान अवेलेबल होएगा? मेरे पास अप्रॉक्स सारी बाइक्स का सामान मिल जाएगा आपको। ओके, स्पोर्ट्स बाइक नहीं कहूँगा, कम रेंज के जो बाइक्स हैं उसमें आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे, ब्रांडेड भी मिल जाएगा और नॉन ब्रांड भी मिल जाएगा, जैसे लूबिया, ऑटोलॉग, टैगा और तीन चार कंपनियाँ और हैं मेरे पास, जैसे ये प्रोडक्ट में ADV, जैसे सर के पास ADV है, ये मैं इनको दिखा रहा था, ये आपका एक्रेलिक कवर है, एक्रेलिक कवर इसका मीटर का बेस्ट रहता है, इससे सेफ्टी रहती है पूरी, डैमेज होने की पूरी गारंटी, सॉलिड अच्छी क्वालिटी का फिर आता है, बहुत हैवी क्वालिटी है, और ये हेडलाइट का आपको हेडलाइट कवर है, हाँ हेडलाइट गार्ड है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत सुंदर क्वालिटी है, फिनिशिंग देखोगे इतनी अच्छी है, और हेडलाइट इसके लिए आपको एक्रेलिक वाइट भी मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी में, और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपडेट देख सकते हो, वो तो विजिट करेंगे एक बार आप, फिर हम आपको अपडेट कर सकते हैं। तो काउल भी आप देख सकते हो, एग्जॉस्ट भी देख सकते हो, नी गार्ड्स, ये जो क्या बोलते हैं जो टर्बन पहनते हैं उनके लिए भी है सारा का सारा सामान, जो टर्बन पहनते हैं उनको वाइजर वगैरह जो लगाते हैं ऊपर से, हैंड ग्रिप, फोर्क स्लाइडर्स, हेडलाइट, सारी सामान यहाँ पर है, एंड बाइक पर भी काम चल रहा है अपना, रेडिएटर गार्ड लग चुका ऑलमोस्ट, तो रेडिएटर गार्ड में एक बार दिखाऊँ, तो ये है MNG का स्टेनलेस स्टील है रेडिएटर गार्ड है इधर, एंड इसके ऊपर रेडिएटर गार्ड के ऊपर मैंने जो स्टॉक गार्ड आता है वो भी लगवा लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हल्की सी, एयरफ्लो हल्का सा रिस्ट्रिक्ट होएगा उससे, बट कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन बढ़नी रहनी चाहिए बाइक की, क्योंकि नई बाइक है अभी एकदम। एंड यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे अपनी बाइक के उस पर लैमिनेशन हो रही है पूरी की पूरी, जो 3M टेप पे हो रही है, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गई थी मेरे को, तो मैंने सोचा करवाई लेते हैं, मेन काम मैं वैसे यही करवाने आया था। ओके, सो यहाँ पर होएगा हमारा 3M लैमिनेशन, जो PPF जैसी होती है ऑलमोस्ट, पूरी की पूरी सेम मैट 3M लिखा हुआ है, प्रॉपर ओरिजिनल है एकदम। साइड पैनल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो रहे पीछे की तरफ, बट अभी हमने ये अलग काम करवाना है सर। Thank you.
ओके सो बाइक हमारी ऑलमोस्ट पूरी रखी पूरी रेडी हो चुकी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि कुछ हो रखा है बाइक के ऊपर एंड बहुत लाइट डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट है। थैंक गॉड कि मैट में अवेलेबल होती थी चीज़ें एंड भाई ने बहुत बढ़िया काम करा है एंड आगे के फ्रंट पैनल भी हो ही गए ऑलमोस्ट पूरे के पूरे, वो आगे से इतना सा रहता है उसको करना है, फिर अपनी बाइक रेडी हो जाएगी। एंड बाकी मैंने स्टोर के बारे में आपको पूरे का पूरा बताई दिया है सारा का सारा, नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, पूरा नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा सामान अवेलेबल है ऑलमोस्ट हर बाइक का, 500 टू 600 सीसी कैटेगरी तक। एंड बढ़िया लग गया यार, काम हो गया सारा, एक बार आए थे तो काम पूरा करा के जाना चाहिए, बार बार चक्कर भी बजता है। एंड अब मेरे को इससे आगे जाना है बागा लिंक तक, क्योंकि मेरे को बाइक की नंबर प्लेट, मेरे पे फ़ोन आएगी बाइक की नंबर प्लेट शायद उनके पास आ गई है, तो मेरे को वो भी पूछने जाना पड़ेगा, काफ़ी बार भी थक चुका हूँ मैं। थोड़ी मैगी वैगी खा लेते हैं, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो चलिए बाइक पर मिलता हूँ मैं आपसे। अब ब्लॉग थोड़ा कम करूँगा मैं, मेरे GoPro की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके सो फाइनली हमारा काम ख़त्म हो चुका है एंड मैं अभी बागा लिंक गया था सर, क्या कहते हैं सर्विस सेंटर, कह रहा हूँ शोरूम पे, सर्विस सेंटर वैसे एक ही है तो कोई बात नहीं। तो मैं अभी बागा लिंक गया था, मेरी बाइक की नंबर प्लेट भी आ गई थी, तो ये रही मेरी बाइक की नंबर प्लेट, लग चुकी है ब्रांड न्यू नंबर प्लेट आई है। सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, टूरिंग के लिए हम बाइक अब मेरी रेडी है, मेरा टूर बनेगा अभी थोड़े टाइम में, एक हफ्ते दो हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर, फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये ऐसी 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 सो मेरी GoPro की बैटरी अराउंड 10-15% ही है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाऊंगा, तो यहीं पे मैं अपनी अगली वीडियो को खत्म कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक बटन इफ यू एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज शॉर्टली बस साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय। ये बंदा मेरे को देख रहा था अभी कि इसको ही पागल हो गया बोलते बोलते ब्लूपर्स।